हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे हेल बाउंड, जो कि एक कोरियन सीरीज है। इसमें टोटल 6 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 48 मिनट से लेके 1 घंटे के है। हालांकि 1 आवर का सिर्फ लास्ट वाला एपिसोड है। बट एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग इस तरह की कोरियन शोज नहीं देखोगे तो भाई तुम लोग लाइफ में क्या देखोगे। कि ये शो की कहानी सिंपल सी है कि एक एंजल आपको आकर बताएगा आपकी डेथ का दिन, वक्त, सब कुछ बताएगा। और उसी वक्त में जो डेथ एंजल्स है, यानी कि मौत के फरिश्ते हैं, वो लोग आएंगे और वो लोग आपको इतना धोएंगे जैसे धोबी कपड़े को धोता है। उसके बाद वो लोग आपकी सोल का लेकर सीधा नर्क हेल में लेके चले जाएंगे। तो अब ऐसे में दुनिया की हालत क्या होगी, क्या कुछ बदलाव आएंगे सोसाइटी में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उनके अंदर क्या बदलाव आएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। डर ये एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बहुत सारी चीजें खुद से कर लेता है जो वो कभी ना चाहता है करने के लिए। और ऐसे में जब लोगों को पता चल जाता है कि भाई सामने वाला इंसान डरा हुआ है, तो उस डर का कैसे फायदा उठाए, और जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे उस सोसाइटी में डर के बाद जो एक क्योस मचता है, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, वो आपको ये शो में बहुत अच्छी तरह से समझने को मिलेगा। हालांकि मैं स्पॉयलर्स की वजह से ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कह दूं कि भाई ये शो डेफिनेटली एक बार जरूर चेकआउट करना। सिनेमेटोग्राफी ऑसम है, वो जो VFX है, वो जो डेथ एंजल्स को भाई जिसने भी डिजाइन किया बहुत ही खतरनाक डिजाइन किया। और कोरियन शोज की एक चीज बहुत अच्छी होती है, वो उनका इमोशनल सीन्स, और वो जो चीजें क्रिएट करते ना, मतलब लिटरली आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इस पर्टिकुलर शो में बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स हैं जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन 2 ऐसे इमोशनल मोमेंट्स हैं जो एपिसोड 3 और एपिसोड 6 में आते हैं। वहां पर तो समझ लो ऐसा लगा कि भाई मेरा दिल किसी ने निकाल लिया। और लिटरली एंड में, मतलब जो क्लाइमेक्स में जो इमोशनल सीन्स है, मतलब वहां पर तो वो मैं फीलिंग आपको बयां भी नहीं कर सकता हूँ। और एपिसोड 1 में जो सीन बताया है, जो वायलेंस वाला सीन बताया, भाई आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको डर खुद महसूस हो जाएगा। और आपको ऐसे लगेगा यार वो जो एंजल है वो कहीं अगला नंबर आपका ही नहीं लगा दे। शो का BGM बहुत अच्छा है, और क्या बोलूँ यार मैं तुम लोग, आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और जब भी कोई कोरियन शो देखता हूँ तो मेरे पास वर्ड्स होते भी नहीं है यार। और अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिस कैरेक्टर्स के थ्रू हमें काफ़ी कुछ समाज के जो लोग हैं उनका एक आईना दिखाने की कोशिश की गई। जो दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया में इस तरह के ही लोग हैं। तो हम लोग जब इस शो को देखते हैं तो इन कैरेक्टर्स के जरिए काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझने को मिलता है। हालांकि ये शो का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी स्लो पेसिंग, मतलब ये एक स्लो बर्न सीरीज है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। इनफैक्ट आपको 1.5 से 2 एपिसोड लग जाएंगे चीज़ों को समझने में और आपको सेटल होने में। लेकिन उसके बाद जब पापी पाक उंजा की एंट्री होती है, फिर वो ये शो में फिर आप लोग रोकते ही नहीं हो। फिर उसके बाद जो जो चीज़ें होती है ना, वो तो भाई कमाल ही है यार। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार देखो, कोरियन इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं और सब लोग अपने हिस्से के लोगों को बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और ये एक अलग खास बात है कि जब भी कोई आप कोरियन सीरीज देखो तो आपको रिपीटेटिव एक्टर्स देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि यस, उनके भी ऐसे एक्टर्स हैं जो आपको बहुत सारे शोज में देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली आपको नए नए एक्टर्स ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी कमाल का परफॉर्मेंस किया उन सभी एक्टर्स ने यार, मजा आ गया मुझे। डायरेक्शन बहुत अच्छा, और मैं आपको बता दूँ कि ट्रेन टू बुसान, जो कि हमारे इंडिया में वन ऑफ दी मोस्ट फेमस मूवीज में से एक है कोरियन मूवीज की, जो कि बच्चा बच्चा देख चुका है, तो वही डायरेक्टर ने इस पर्टिकुलर शो को बनाया, और क्या कमाल का बनाया। और जहां पर ये शो खत्म होता है डेफिनेटली इसका सीजन 2 आएगा। और भाई एक ही चीज मैं आपको बता दूं इसके एंड ऑफ द सीन के लिए, जो कि मैं रिवील नहीं कर रहा हूं, बस इतना बता दूं कि अगर MCU की मूवीज को आप लोग साइड में हटा दे या DC की मूवीज को आप लोग साइड में हटा दे, तो जो क्लिफ हैंगर होता है ना, जिसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट का इंतजार होता है, तो ये इस साल का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड क्लिफ हैंगर में से एक है, जिसे देखने के बाद मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं कि आखिर हो क्या गया और ये हुआ कैसे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, और इसका जवाब तो हमें सीजन 2 में मिलेगा। और अब वो भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स वाले कभी भी किसी सीरीज को रिन्यू इतनी जल्दी नहीं करते, तो कम से कम 2 महीना तो लगाएंगे, शायद 1.5 महीने में भी ये हो जाए, क्योंकि अभी तक ये रिन्यू हुआ नहीं। और अगर रिन्यू होता है तो उसके बाद इसकी शूटिंग चालू होगी, फिर बहुत सारी चीज़ें होगी। तो यानी कि आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इसका सीजन 2, जो कि डेफिनेटली आएगा नेटफ्लिक्स के रिन्यू करने के बाद, तो नेटफ्लिक्स अगर रिन्यू करता तुरंत, तो ये हमें
2022 के नवंबर या दिसंबर तक देखने को मिलेगा, या तो फिर आपको 2023 के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी फरवरी बस इसके आसपास ही हमें डेफिनेटली दिखना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हमें अगले साल ही देखने को मिले। तो आप देखते हैं कि क्या कुछ होता है। फिलहाल तो पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा कि ये शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। अश्लीलता इसका रीजन नहीं है, रीजन ये है कि वो वॉयलेंस, वो जो डेथ एंजल आगे जब लोगों धोते ना, मतलब यार वो तो सीन क्या बोलूं मैं, बहुत ही खतरनाक है। तो अगर वॉयलेंस आपके घर में देख सकते हो तो भाई देखो, अश्लील सीन से कुछ भी नहीं। हाँ बस लास्ट एपिसोड में एक न्यूडिटी वाला सीन एकदम लास्ट में, वो भी ऐसा खुल के नहीं बताया, बस है, बस वो समझ लो। अभी मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बस समझ लो यार तुम लोग। तो यार मैं इस शो को रेटिंग दूंगा डेफिनेटली 10 out of 10। अब लोग क्या रेटिंग देते मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन 10 देंगे 10। अब आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये शो कैसा लगा, और आप लोग इसको देख चुके हैं या नहीं देखे हो, या क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ काओ बाय बीबॉफ जरूर रिव्यू करेंगे। टिल देन बाय।